जिसके नेतृत्व में बहुत ही अच्छा भाव प्रदर्शन हो रहा है, जिसका नाम स्वर्गीय श्री गंगाराम जी मुंडन साहब के नेतृत्व में रखा गया है। बहुत बहुत धन्यवाद एंकर जयशंकर जी मिर्जा साहब को, जो अपना अमूल्य कीमती निकाल कर अपनी टीम को बढ़ावा दिया है। बहुत अच्छा मुकाबला सरोज कला वर्सेस श्री सवीर सिंह, बहुत ही शानदार प्रदर्शन कर रहा है, ये खेला जा रहा है बहुत ही शानदार के साथ। कहते हैं शंकर चुका साथ हाजी लगे, आज की इस कबड्डी प्रतियोगिता में सबसे बड़ी बात है कि महिला वर्ग की टीम और बड़े बुजुर्ग वर्ग की टीम भी हमारे के देखने को मिलेगी, क्योंकि आज के इस दैनिक जीवन में खेल को बढ़ावा देना बहुत ही जरूरत है, क्योंकि जहाँ खेल है वहाँ सब कुछ है। अगर तृतीय की स्टूडेंट मेहनत करे तो प्रदीप नरवाल बन सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, हमारे गए एक कुश्ती के पहलवान भी है मिस्टर अमर राम जी जाट, जो बार बार से बिलोंग करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, बहुत बहुत। ये मुकाबला एकेडमी वर्सेस जो अपने पेस के लिए खेलते हैं राम जी मंडल के बीच में खेला जा रहा है। ये कबड्डी शहरी श्री कोसाराम जी मटोरा स्मृति संभाग की स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता 2019 महिला, ये गाने हम खौफ कुछ हमें नहीं, मृत्यु का भी भय नहीं, दुश्मनों के सामने डरे नहीं डटे वही, नोच खाते दुश्मनों को सिंह फेसबुक राजूराम जी फेसबुक उठी चिंगारियां नहीं बरसती गोलियां, चंद्रान सा अधिक रहे उठी न अपनी डोलियां, सूख ले समुद्र भाई भारत माँ के मस्तक साथी अपने रोए हैं, उन्हें मन में रोए हैं, किंतु झुका सकते नहीं अपना स्वाभिमान, हम हिंद की निशान हम जात बलवान हम, ठहरते न एक छिन राह हो भले कठिन, बढ़े चले रुके नहीं हम कभी थके नहीं, मातृभूमि के लिए रहे और महान शान हम जात बलवान हम, हिंद की निशान हम जात यानी वीरता और बहादुरी का दूसरा नाम 6 फुट की कद काठी जय। हमारे ईश्वर जी कोनिया और शेरू जी धनवाल जो बाड़मेर से आए उनका भी बहुत बहुत स्वागत, वो भी नेशनल प्लेयर्स के रूप में खेल चुके हैं। जय बोलिए रामनायक जी जिंदा भगवान की, जय बोलिए वीर तेजाजी महाराज की, जाट बलवान जय भगवान। वीरू दत्तरवाल और ईश्वर जी पूनिया को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि अपना अमूल्य कीमती समय निकाल कर हमारे बीच दिया है, जो एक नेशनल खिलाड़ी है। बहुत बहुत धन्यवाद।
राजेंद्र जी मिर्जा साहब की टीम बहुत ही संघर्ष कर रही है, पल पल संघर्ष के साथ आगे की ओर बढ़ रही है। एक बार फिर बता देता हूँ, श्री परशुराम जी मलेरा साहब की स्मृति में यह कबड्डी प्रतियोगिता 2000 अंग्रेज पुरुष महिला एवं बुजुर्ग खुराक की प्रतियोगिता हमारे बीच देखने को मिलेगी, जिनके आयोजक आयोजक कमल प्रतियोगिता में को 21,000 रुपए इनाम नगद दी जाएगी। पकड़ पकड़ जीत को पकड़ भाई, पकड़ पकड़ कैच कर ले। बहुत ही शानदार सुनहरा पल हमारा देखने को मिल रहा है। आखिर जयनार राज विश्वविद्यालय नया परिसर की ओर से हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन हमारे बीच योगेंद्र चौधरी छात्र प्रतिनिधि जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के मौजूद है, अपना कीमती सेवा निकाल कर हमारे बीच आए। बहुत बहुत धन्यवाद नेता जी, फटिंग करने वालों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि जो माहौल आज का हमारे बीच आकर्षित हो रहा है वो बार बार देखने को नहीं मिलेगा। लक्ष्य ने अचल होने पर कदम मिलाकर चल, सफलता तेरे चरण चुमेगी। आज का कदम बहुत ही शानदार अच्छी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, संघर्ष करोगे तो सफलता जरूर मिलेगी, ये बात महात्मा गांधी ने भी की थी। शानदार सुनहरा पल हमारे बीच देखने को मिल रहा है। अरे ला लियो, आज की इस कबड्डी प्रतियोगिता में कॉलेज देता है विभिन्न पर विभिन्न छात्र और प्रत्येक खिलाड़ी हमारे बीच अपना प्रदर्शन अपने दम पर बहुत ही सुनहरा दिखा रहे हैं। और 21 तारीख तक ये कबड्डी प्रतियोगिता चलेगी और जो टीम मेहनत कर रही है उसको नगद पुरस्कार के साथ मान और सम्मान दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ भाई, बहुत ही सुनहरा संघर्ष कर रहे हैं। पटक पटक पटकेगा तभी कुछ हमको जाएगा। संघर्ष के साथ ही भाई, वाह भाई भाई, बहुत शानदार। राजेंद्र जी मेहता की टीम बहुत ही संघर्ष कर रही है, क्योंकि आगे की ओर आगे की ओर अग्रसर आने के लिए बहुत अच्छा मुकाबला देखने मिला है। सर्वोदय एकेडमी और से सर्वी श्री डुमरांग जी मंडल के बीच जो ये मुकाबला खेला जा रहा है। द डेडिकेटेड टू इंडियन ह्यूमन बीइंग्स रिप्लेस द फ्लाइट ऑफ द पीपल द स्टूडेंट्स विल बी डिड नॉट फील इंपॉर्टेंट अरे अरे क्यों 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 बहुत बहुत धन्यवाद। पटक पटक भाई बहुत ही सुनहरा प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि कबड्डी में जो संघर्ष कर रहा है वो प्रदीप नेहरवाल तक पहुंच सकता है और प्रदीप नेहरवाल को पिटार सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। राजेंद्र जी मिर्जा अपनी टीम को हैंडल कर रहे हैं। देखने को मिला है विशाल रक्तदान शिविर भी रखा गया है इस प्रतियोगिता के आधार पर। चार चार विशाल रक्तदान शिविर रखा गया है 21 फरवरी 2019 10 बजे से 5 बजे तक ब्लड डोनेशन कैंप जयवीर जी चौधरी के नेतृत्व में रखा गया है। बहुत ही सुनहरा पल आज हमारे बीच में अब देखने को मिला है। हनुमान जी गोदर साहब को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। हेलो सभी भाई लोगों से निवेदन है, कल 4 बजे से मैच शुरू हो जाएंगे। 4 बजे शाम को 4 बजे मैच शुरू हो जाएंगे। 4 बजे पहुंच जाएंगे देखने के लिए। Players are playing cricket on the kabaddi ground because I need this pitch of English. Medical student to Bipin Chopra, the anchor and direction of the hand of with your kabaddi pratiyogita according to the Google. Bahut bahut dhanyawad sir. Devalya Veer Tejaji Maharaj ki. Devalya Jinda Sahab ki. Jinda Sahab moving on. परशुराम जी मलेरा साहब के
बहुत ही सुनहरा पल हमारे पेज देखने को मिल रहा है। शानदार अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी के आधार पर प्रत्येक खिलाड़ी आज संघर्ष के साथ खेल रहे हैं। बहुत ही शानदार पल देखने को मिल रहा है कि आज की इस प्रतियोगिता कबड्डी प्रतियोगिता में आज प्रत्येक खिलाड़ी और प्रत्येक स्टूडेंट अपने जज्बे के साथ अपना दम दिखा रहा है। केरल व्यास विश्वविद्यालय में आने वाली हर वर्ष की भांति में इस प्रतियोगिता को बढ़ावा दिया जा रहा है। भाई जी क्या बोला, ये बड़ा देखो हमारे बीच बहुत ही शानदार प्लेयर्स और प्लेयर्स के साथ छात्र प्रतिनिधि और जन प्रतिनिधि हमारे बीच मौजूद हैं, जिनका नाम एक बार मैं फिर से उजागर करना चाहता हूं। और धर्मराम जी बेंदा, राजू राम जी गोदा, हनुमान जी तरर, हनुमान जी गोदारा, सुनील जी मुंडेल, कानाराम जी गोर्जर, अमरा राम जी जाट बाहरमेर पहलवान साहब, बमाराम जी गौरसिया पायतो, गोर्धन जी सिया, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। हमारे बीच आर एस सिलेक्टेड होने वाले हैं जेठाराम जी चौधरी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपको अग्रिम बधाई दे रहा हूँ, क्योंकि जो शिक्षा के क्षेत्र में रिक्वेस्ट होता है उसका नाम, उसका नाम तो पूरे भारत में क्या महादेव पे। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो भाई साहब, थोड़ा वॉल्यूम करना, वॉल्यूम करेंगे, हेलो बंद नहीं करना है, और इसे ऐसा रासा की वाणी हमारे भी बहुत ही सुनहरे पलों के साथ देखने को मिल रही है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द गूगल 80% पीपल आर थिंकिंग दैट स्मॉल एंड चेट सेफ दे इधर सीरी धीमे कैसे पड़ रहा है, क्यों पड़ रहा है, ये जो मुकाबला खेला जा रहा है निकले गए भगवान अमर शहीद डुगरना मुंडन क्लब थारीपुर वर्सेस सर्वोदय सीनियर क्लब के बीच, और साथ ही साथ मैं आप सभी को बता दूं ऐसे भी हमारे बीच में फदा चुके हैं अमर शहीद डुगरना मुंडन के बड़े भाई साहब रामदीन जी मुंडन साहब हमारे बीच में फदा चुके हैं, एक बार जोरदार